का हमारे चैनल होम्स फॉर सेल में, और मैं आप सभी की दोस्त गीतांजलि आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सबसे सस्ता 3 BHK फ्लैट 90 गज में, 90 स्क्वायर यार्ड में आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। फुली फर्निश होने वाला है, वेंटिलेशन आपको मिलेगा, और सबसे अच्छी बात कार पार्किंग लिफ्ट भी आपको मिलने वाला है। 90 गज में 3 BHK का फ्लैट है, बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। फुली फर्निश आपको मिलने वाला है, और आपको बता देती हूँ कि आपकी जो गली होने वाली है, फ्रंट रोड जो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, दोनों साइड से आपको गेट मिलने वाले हैं गली में, तो बहुत अमेजिंग फ्लैट है, तो देखने के लिए एक्साइटेड हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बिल्डिंग का एलिवेशन दिखाती हूँ, कार पार्किंग लिफ्ट दिखाती हूँ, देन पूरा फ्लैट दिखाऊँ। और यहाँ पर लिफ्ट, तो फैमिली फ्लैट में आपको लिफ्ट, कार पार्किंग मिलने वाली है, बिल्डिंग का एलिवेशन काफी खूबसूरत होने वाला है। सबसे सस्ता 3 BHK लेकर आई हूँ, हाँ सबसे सस्ता, कहीं नहीं मिलेगा इससे सस्ता 3 BHK, वो भी इतने अच्छे रेट के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ, फ्लैट तो आपको दिखाऊंगी ही, साथ ही साथ आपको बता देती हूँ कि आपको दोनों साइडेड गेटेड गली मिलने वाले, 90 गज में आपका फ्लैट होने वाला है, फुली फर्निश फ्लैट है, वेंटिलेशन आपको मिलने वाला है, बहुत अमेजिंग शानदार है। तो आपने एलिवेशन देख लिया, एक फ्लोर पर आपको 2 यूनिट मिले, 3 BHK एंड 2 BHK, बैक साइड आपको 2 BHK मिलेगा, तो बहुत अच्छा है। तो एंट्रेंस तो आप सभी ने फैमिलीज देख ली होगी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आपका लिविंग एरिया। तो ये है आपका लिविंग एरिया, 90 गज में आपको इतना अच्छा लिविंग एरिया मिल रहा है, तो आप लुक देख सकते हैं इसका। लिविंग एरिया आप देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोफा सेट आपको मिलने वाले हैं ब्लू कलर में। फ्लोरिंग पर आप नज़र मार सकते हैं कि फ्लोरिंग भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। स्पेस आप नोटिस कीजिए कि यहाँ कितना अच्छा आपको मिल जाएगा। बीच में आपकी कॉफ़ी टेबल होने वाली है, आपको एल टाइप में सोफ़ा सेट मिल रहा है, स्पेशियस होने वाला है, काफ़ी अच्छे कलर थीम के साथ आपको ये मिलने वाला है। अब एक बार आप ज़रा वॉल पे नज़र घुमाइए, इनके पीछे की जो वॉल होने वाली है आपकी लिविंग एरिया की, वो वॉल पेपर के साथ डिज़ाइन की तैयार की गई हैं। इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं, फ्लारिश में आपको वॉलपेपर मिलेगा। इस साइड आपको स्प्लिट एसी का प्रोविज़न भी मिल जाएगा इस वॉल पर। तो ये आपका लिविंग एरिया का थीम होने वाला है, कलर थीम आप देख लिया आपने, स्पेस अब आपने देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो लिविंग एरिया का एरिया हो गया, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कॉमन वॉशरूम मिलने वाला है। तो मेरा कॉमन वॉशरूम पे झलक देखिए, हालांकि अभी सैनिटरी फिटिंग नहीं है, बट जब भी आप आएंगे आपको ये करी हुई मिलेगी। तो बट लेकिन आप लुक देखिए, स्पेस इसका नोटिस कीजिए कि आपको कितना बढ़िया आपको यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम मिलने वाला है लिविंग एरिया के साथ ही। तो लिविंग एरिया आपने देख लिया, फ्रंट में आ जाता है अब आपका टीवी पैनल। अब आप ये टीवी पैनल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्रंट पे टीवी पैनल मिल जाएगा लिविंग एरिया के अंदर, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वो आप टीवी देखते हुए, पॉपकॉर्न खाते हैं, मूवी देखते हुए अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। नीचे आपको शेल्फ मिल जाएंगे, यानी कैबिनेट्स मिल जाएंगे, ऊपर भी आपको स्पेस मिल जाएगा, एंड देन ये आपको पूरा टीवी पैनल है। तो आपने देख लिया, अब एक बार आप फोर सीलिंग पे नज़र घुमाइए जरा लिविंग एरिया की। 2 फैंस के साथ कॉर्ड लाइट, प्रोफाइल लाइट, और बीच में सुंदर से झूमर के साथ आपको ये फोर सीलिंग मिलने वाली है। सो फैमिलीज, आई होप आपको लिविंग एरिया पसंद आया होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग एरिया होता है, तो वो सबसे ज्यादा पसंद आना जरूरी है। तो लिविंग एरिया तो आपने देख लिया, अब चलते हैं किचन की तरफ, जो आपको बिल्कुल साथ में मिलेगा, आ जाएगी। ये होगा आपका किचन का एरिया, तो आप किचन का लुक देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ओपन किचन मिल रहा है, यहाँ पर ऊपर सारी आपको यहाँ कैबिनेट्स मिल जाएंगी, चिमनी आपको लगा कर दी जा रही है,
और देखिए यहाँ पर आपको वेंटिलेशन, जैसे कि मैंने कहा था किचन में जो वेंटिलेशन है वो मैंडेटरी होता है, तो यहाँ आपको जो है मैं वेंटिलेशन दिया जा रहा है, किचन के अंदर स्पेस मिल जाएगा, इधर कैबिनेट, इधर चिमनी, इधर आपका यहाँ पर आरओ का प्रोविज़न आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका वॉशिंग एरिया होगा कि वाटर फिटिंग होगी आपकी, तो ये आपका आरओ का प्रोविज़न हो जाएगा। वेंटिलेशन आपने देख लिया, नीचे आपको एज यूजुअल यहाँ पर सारी कैबिनेट्स मिलने वाली हैं अगेन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी कैबिनेट्स आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगी। आप स्लैब देख सकते हैं यहाँ पर, जो स्लैब होगी आप देख सकते हैं ब्लैक टाइल के साथ आपको मिल रही है, इसका भी स्पेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किचन में आपको टॉप तक टाइलिंग मिलेगी ताकि वॉल्स गंदी ना हो, तो आप देख सकते हैं हाफ हाफ नहीं है, अंदर 5 फुट तक आपको टाइलिंग मिल रही है, मिड में आपको टाइलिंग मिल रही है एंड टॉप तक आपको टाइलिंग का काम मिलेगा। तो किचन आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, तो बहुत अमेजिंग किचन है, देखने जरूर आइएगा। तो किचन तो मैंने अब आपको दिखा दिया, अब आती है हमारे बेडरूम्स की बारी, तो एक्साइटेड आप देखने के लिए, तो आ जाइए फर्स्ट बेडरूम आपको दिखाती हूँ। सो फैमिलीज, ये होने वाला है आपका फर्स्ट बेडरूम जो कि फुली वेंटिलेटेड आपको मिलेगा, स्पेस काफी अच्छा मिलेगा इसमें आपको। तो सबसे पहले आप बेड ही देख लीजिए, ये आपका बेड का स्पेस होने वाला है, पीछे आपको वॉलपेपर काम मिलने वाला है वॉल पे, ठीक है, एंड देन यहाँ आपका आ जाएगा वार्डरोब। तो आप वार्डरोब को देखिए, वार्डरोब के साथ ड्रेसिंग टेबल अटैच है, यहाँ आपका मिरर है, यहाँ आपको कैबिनेट्स मिल रही है ऊपर एंड देन नीचे यहाँ पर, तो यहाँ आप अपनी टेबल लगा के अपना ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, इस साइड आपकी वार्डरोब आ जाएगी, ये आपकी वार्डरोब है, ऊपर भी कैबिनेट्स हैं। तो आप वार्डरोब का पूरा लुक देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ आपको ये वार्डरोब तैयार करके जा रही है, जो बहुत डिसेंट लुक के साथ आपको मिलने वाली है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है वार्डरोब, आई होप आपको भी पसंद आ रही होगी। इधर आपका वेंटिलेशन है कि विंडो यहाँ पर आपको मिलने वाली है, तो आप देख सकते हैं कि विंडो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, ये ओपन हो जाएगी तो बाहर की बहुत अच्छी हवा आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसी रूम से आपको बालकनी का एक्सेस मिलेगा। सबसे पहले तो स्पेस आपने देख ही लिया होगा कि बेड आपका इस साइड है, इधर आपकी वार्डरोब, और ये स्पेस आप देख सकते हैं कि यहाँ इस रूम में आपको कितना अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अब आ जाइए बालकनी में, आपको दिखाती हूँ, तो एक बार बालकनी की झलक देखिए आप कि बालकनी आपको कितनी अच्छी मिलने वाली है। सो फैमिलीज, बालकनी आप अपन निकली क्योंकि हवा बहुत अच्छी लग रही है, इस वक्त भी मुझे बहुत अच्छी बाहर से हवा आ रही है, तो हवा इस रूम में बहुत अच्छी आपको लगने वाली है कि वेंटिलेटेड रूम है। अब इस रूम में जाने से पहले आप फोर सीलिंग देखिए, देन मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखाती हूँ। सो देख ली फोर सीलिंग, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम में, आ जाइए। ये होगा आपका सेकंड बेडरूम, तो मैं आपको बताती हूँ आपका जो सेकंड बेडरूम होने वाला है ये मास्टर बेडरूम होने वाला है। तो पहले आप बेड देखिए, यहाँ पर बेड आप देख सकते हैं, स्पेस अगेन आपको सेम मिलने वाला है, बेड के दोनों ही साइड आपको वार्डरोब मिलेगी, तो आप वार्डरोब देख सकते हैं, दोनों साइड आपको वार्डरोब मिल जाएगी, नीचे कैबिनेट्स मिल रहे हैं, इनकी ड्रॉअर मिल रही हैं, अगेन पीछे वॉलपेपर का काम आपको मिलेगा वॉल पर। तो बेड अब आपने देख लिया, मास्टर बेडरूम इसलिए कहा क्योंकि इसमें वॉशरूम आपको अटैच मिलने वाला है, तो आप वॉशरूम का स्पेस देखिए। मैं फिर से आपको मेंशन कर देती हूँ, अभी सैनिटरी फिटिंग नहीं हुई है, बट लेकिन जब भी आप आएंगे आपको सैनिटरी फिटिंग करके दी जाएगी। स्पेस आप नोटिस कर सकते हैं अभी कि कितना अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा, वो बेडरूम के साथ आपको ये वॉशरूम अटैच मिलेगा। बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच मिल रहा है, अब वेंटिलेशन से कैसे पीछे हट सकते हैं, तो वेंटिलेशन भी आपको इस बेडरूम में मिलने वाला है। तो अगेन यहाँ पर आपको विंडो मिलने वाली है सेकेंड बेडरूम में भी, तो ये रूम में ही बहुत हवादार रूम होने वाला है, हवा हवाई बिल्कुल रूम आपको मिलेगा। अब इस रूम की फोर सीलिंग देखिए, देन मैं आपको लास्ट बेडरूम यानी थर्ड बेडरूम में लेके चलूंगी। सो फैमिली, कैसे लगे आपको ये सेकेंड बेडरूम और इसकी फोर सीलिंग? देखिए फोर सीलिंग का डिजाइन हर बेडरूम में डिफरेंट होने वाला है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो अपने लास्ट बेडरूम यानी कि थर्ड बेडरूम चलते हैं, तो आ जाएगी। सो फैमिलीज, ये है आपका
थर्ड बेडरूम। देखिए स्पेस तो आपको अगेन सेम मिलने वाला है बेडरूम में, तो आप इसका बेड का स्पेस देख सकते हैं। यहाँ पर बेड के दोनों ही साइड आपको काफ़ी स्पेस मिल रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा या आप एक गैस कर सकते हैं कि बेडरूम में कितना स्पेस आपको मिलेगा। पीछे वॉलपेपर आपको अगेन मिल रहा है यहाँ पर, अच्छा डिसेंट सा बेड का स्पेस मिल रहा है। इसमें यहाँ मिल जाएगी आपको वार्डरोब इस बेडरूम में, तो बेडरूम वार्डरोब का आप लुक देख सकते हैं, वाइट एंड वुड थीम के साथ मिल रहा है आपको। और इसी के साथ आप थोड़ी सी अगर आगे नज़र घुमाएंगे तो आपका टीवी पैनल आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर सेकेंड थर्ड बेडरूम में भी टीवी पैनल मिल जाएगा। सो फैमिलीज, आपका ये थर्ड बेडरूम होने वाला था, काफ़ी अच्छा स्पेशियस है। अब इसकी फोर सीलिंग आप देखिए कि इसकी फोर सीलिंग भी डिफरेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि तीनों ही बेडरूम की फोर सीलिंग का डिज़ाइन कलर थीम आपको डिफरेंट मिलने वाला है, तो भाई डिफरेंट तो है ही, डिफरेंट के साथ साथ बहुत बढ़िया भी है। हाँ, स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको, 3 BHK 90 गज में मिल रहा है आपको, सबसे सस्ता 3 BHK, अब तक का सबसे सस्ता 3 BHK आपको मिलने वाला है। इससे सस्ता 3 BHK आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके लिए होम्स फोर सेल लेकर आया है। होम्स फोर सेल लाता है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका सपनों का घर आपको मिल ही जाएगा। तो 3 BHK है सबसे सस्ता फ्लैट है, 90 गज में 3 BHK मिल रहा है, गेटेड गली आपको मिलने वाली है, फ्रंट रोड काफ़ी अच्छा मिलेगा, लिफ्ट कार पार्किंग आपको मिल रही है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन आपका नियरेस्ट होने वाला है, आसपास आपको अच्छी लोकेलिटी मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा फ्लैट आपको मिल रहा है, एक फ्लोर पर आपको 2 यूनिट मिलने वाली है, तो बहुत अमेजिंग फ्लैट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम फ्लैट खरीदेंगे कैसे, भैया आपने सारी खूबियाँ बता दी, इतनी सारी डिटेल्स बता दी, लेकिन ये भी बता दीजिए कि हम कैसे खरीद सकते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि देखिए सस्ता फ्लैट है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सस्ते के साथ साथ होम्स फॉर सेल आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन करा के देगा। हाँ बिल्कुल सही सुना है, नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको आगे काम आने वाला है। होम्स फॉर सेल है जो आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन करा के देगा, सबसे सस्ता 3 BHK देने वाला है। तो अब बिल्कुल भी देर मत कीजिए, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, जल्दी से कॉल कर लीजिए। मैं गीतांजलि अब आपको फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।